जो भी आजकल लड़कियां पर जाती से या किसी के साथ शादी करती है वो उनके बाद में पता, तो उन लड़कियों को आपको ऐसी इच्छा या दीजिए जिससे कि वो उनका मार्गदर्शन अच्छा होए और वो आगे चल के कुछ तकलीफ दे पाए बिल्कुल ये आजकल बहुत विषय चल रहा है सब जगह अभी रिसेंटली श्रद्धा मर्डर केस में भी मैंने खुद भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और अपने चैनल पर भी डाली थी तो देखो उसमें सबसे बड़ी गलती लड़की की क्या हुई कि उसने अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं किया तो मैं ये यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे विश्वास करना चाहिए और क्या होता है कि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो माँ बाप डांटते हैं तो उनको लगता है कि माँ बाप तो हमें डांट रहे हैं लेकिन समाज में जहाँ वो फंस जाती हैं वो उनको प्यार दिखाते हैं तो उनको लगता है कि ये तो मुझे बहुत प्यार कर रहा है लेकिन मेरे घर में तो मुझे डांट पड़ रही है घर में तो मुझे मार पड़ रही है लेकिन ये चीज़ ही यंग जनरेशन को समझ नहीं आती कि जो आपको डांट रहा है यानी वही आपका भला सोच रहा है और जो आपको प्यार दिखा रहा है वो असली प्यार नहीं है वो जैसे समझ लो कि करेले के ऊपर आप जो है वो मीठा लगा दो चाशनी वो वैसा वाला प्यार होता है तो समझ नहीं आता यंग जनरेशन को ये समझाना उनको बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी केयर करता है वही तो डांटेगा वही तो आपको समझाएगा तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आती और वो जो मीठी मीठी बातें करते हैं उसमें वो फंस जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो बच्चों को समझनी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए तो संस्कारों की भी बहुत ज़रूरत है आज आजकल बच्चों बच्चों में क्या है कि संस्कारों की कमी है इसीलिए तो वो फंस जाते हैं अगर श्रद्धा मर्डर केस की बात चली रही है तो जैसे उसमें आप सब ने न्यूज़ में देखा होगा कि श्रद्धा के साथ में वो लड़का जो आफ्ताब था वो उसके साथ में शुरू से ही टॉर्चर कर रहा था वो उसको मारपीट किया लेकिन श्रद्धा ने कंप्लेंट करी आपने सबने न्यूज में देखा था कि उसने कंप्लेंट करी उसके बाद से आफ्ताब ने उसको आके वापस गुमराह कर दिया कि तू कंप्लेंट वापस ले ले उसको वापस उसको लगा विश्वास हो गया तो ऐसे में लड़कियाँ क्या करती हैं कि वापस विश्वास कर लेती हैं इवन लड़कियां ने इवन इवन मैरिज होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस रियल में होता है बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ नहीं है फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लेडीज कर देती हैं लेकिन रियल में जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होता है वहाँ पे जो महिलाएं हैं या लड़कियाँ हैं वो सहन करती हैं और अगर कुछ टॉर्चर होता है तो वो माफ़ कर देती हैं कि अगर उसने माफी मांग ली जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा से माफी मांग ली तो उसने माफ कर दिया उसने वापस विश्वास कर लिया तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा आपने वापस से विश्वास नहीं करना चाहिए अगर किसी ने आपके साथ में मारपीट किया है टॉर्चर किया है तो आप उसके साथ क्यों रह रहे हो आप पहले कदम के बाद ही छोड़ दो अगर श्रद्धा ने उसको पहले कदम के बाद ही छोड़ दिया होता तो ये एंड नहीं होता उसने उसने आवाज उठानी चाहिए थी उसने उसको सहन नहीं करना चाहिए था लेकिन हमारी सोसाइटी में एक है कि सहन करो सहन करो ऐसा ऐसा सिखाया जाता है लड़कियों को लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपके साथ यहाँ या, यंग अगर लड़कियां भी बैठी हैं तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप सहन मत करो चुप मत रहो वो क्या होता है मारपीट के बाद वो प्यार से बात कर लेता है तो फिर वो फिर से पिघल जाती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपके साथ कोई वायलेंस कर रहा है तो आप उसके साथ मत रहो ये आपका डिसीजन है आप स्ट्रांग डिसीजन लो फर्म डिसीजन लो आप अपने पेरेंट्स से बात करो अपनी फैमिली से बात करो जहाँ पे आपको ट्रस्ट है वहाँ बात करो और बात ना करने से ही ये सब होता है अगर उसने अपने पेरेंट्स के साथ बात की होती तो फिर वो आगे स्टेप नहीं जा पाता अगर उसने कंप्लेन वापस ना ली होती तो ये एंड नहीं होता इसीलिए मैं जब भी कहती हूँ जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करती हूँ एक्चुअल में ये डोमेस्टिक वायलेंस ही था क्योंकि वो साथ रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे तो डोमेस्टिक वायलेंस का जब भी कोई केस की बात होती है ना तो बहुत सारा जो पुरुष वर्ग है वो बोलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस तो आए दिन कोई भी महिला कर देती है किसी भी जो है कोई भी झगड़ा भी होता है पत्नी तो पति पर कर देती है तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ

क्योंकि इतने सारे फॉल्स केसेस में देखो अगर आपके सामने लाख फॉल्स केसेस हैं तो आपके पास जब नेक्स्ट आएगा तो आप उसको भी 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 एक एक शंका की नज़र से देखोगे कि क्या पता ये भी बोल रही हो? क्या पता पता ये 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 बोल बोल रही रही हो हो झूठ तो लॉस होता है महिलाओं को तो ये महिलाओं को ही समझना चाहिए कि हम अपना ही लॉस कर रहे हैं कल को हमारे साथ रियल में होगा और फिर हम जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा इसीलिए फॉल्स केसेस नहीं करना चाहिए लेकिन साथ में मैं ये भी बोलती हूँ कि रियल में अगर होता है तो चुप भी नहीं रहना चाहिए अगर आपके साथ रियल में वॉयलेंस होता है तो श्रद्धा की तरह चुप नहीं रहना चाहिए कंप्लेन वापस नहीं लेनी चाहिए उस आदमी को छोड़ देना चाहिए और ये सिर्फ अ, अलग दूसरे धर्म की सिर्फ बात नहीं है सेम धर्म में भी अगर होता है तो भी चुप नहीं रहना चाहिए अगर आपके साथ वॉयलेंस होता है तो और किसी को कोई सवाल